संख्या इसके भी क्या क्या व्यवस्थाएं देंगे? देखिए, कोरोना का जो ओमिक्रॉन वाला जो इशू आया हुआ है उसको लेकर के बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि अभी तक की जो रिपोर्ट है इसमें अभी उतनी सीवियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा प्रिकॉशन लेना, पूरी तैयारी करना आवश्यक है। और इसीलिए आज हम लोग यहां पर इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि हमारी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारी तैयारियां क्या हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट है, स्टोरेज प्लांट है, मेनी फोल्ड है, बेड तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके अलावा यहाँ दवाइयों की उपलब्धता है या नहीं, ये सब चीज़ों का हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है। और दूसरा ये कि इस समय जो कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है वो है आपका टीकाकरण। टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो, प्रथम डोज 100% लग जाए, उसकी भी समीक्षा हम लोगों ने यहाँ पर की है। और दूसरा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि इसको हम प्रिकॉशन लेकर के भी कोरोना से पूरी तरह से निपट सकते हैं। इन सबको देखने के लिए, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए, अगर कहीं कोई कमियां हैं उसको दूर करने के लिए ये विजिट यहाँ की गई है। सर, क्या कमियां देखने को मिली यहाँ पर? नहीं, कमियां ऐसे तभी कोई दिखाई नहीं दे रही हैं। और जितने यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स मिले हुए हैं, चाहे वो आपका बाईपैप्स हों, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हों, और आपके जो और भी जितने उपकरण यहाँ मिले हुए हैं वो सब फंक्शनल होने चाहिए। उसके लिए पहले भी मॉक ड्रिल की जा चुकी है और आज हमने ये भी निर्देश दिया है कि एक बार फिर चेक किया जाए इसको, 21 तारीख को उसको चेक किया गया। अगर टेस्टेड है वो तो ओके लिखा जाए, अगर कोई डिफिशियंसी है तो उस डिफिशियंसी को लिखें, वो डिफिशियंसी कब रिमूव की गई इसको भी वहाँ मेंशन किया जाए, ताकि किसी भी इमरजेंसी के आने पर कोई टेक्निकल फेल्योर ना हो और जो भी कोई मरीज यहाँ आवे उसको पूरी सुविधा मिल सके। सर, क्या व्यवस्था पूरी तरह से संतुष्ट? हाँ, व्यवस्थाओं से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और ये सतत प्रक्रिया है, आगे ये बराबर बनी रहे इसको भी देखा जाएगा। धन्यवाद सर।